भोपाल की इस महिला को सलाम। ब्रेन डेड पति के अंग दान कर बचाई 3 जिंदगी। फूलों से सजा अस्पताल, पुलिस बैंड ने दी सलामी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दुर्घटना में घायल हुए पति ने ठीक होने की आस में अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी सुषमा अवस्थी हर पल यही प्रार्थना कर रही थी कि उनके पति किसी तरह भी ठीक हो जाए, लेकिन पति राजेश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। जब ये बात सुषमा अवस्थी को बताई गई तो वे बेसुध हो गई। होश में आने के बाद वे किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं थी कि अब उनके पति राजेश कभी ठीक नहीं हो सकेंगे। इसके बाद बंसल अस्पताल के डॉक्टर्स ने सुषमा की काउंसलिंग की, उन्हें पूरी बात समझाने के साथ ये भी बताया कि अगर वे इसी हालत में राजेश का अंगदान कर देती हैं, तो इससे 2-4 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। पहले तो वे मानने को तैयार नहीं हुई। डॉक्टर और परिजन को समझाने के बाद उन्होंने पति के अंगदान करने की हामी भर दी। भले ही राजेश अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वे 3 लोगों की नई जिंदगी दे पाए। अब लोग सुषमा अवस्थी के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। सुषमा अवस्थी सहित पूरे परिवार का सम्मान। अंगदान के बाद प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजेश अवस्थी की पार्थिव देह अस्पताल से बाहर लाई गई। पूरे अस्पताल के कॉरिडोर को फूलों से सजाया गया। परिजनों को पार्थिव शरीर सौंपने से पहले अस्पताल प्रबंधन ने राजेश की पत्नी सुषमा और परिजनों का सम्मान किया। इस दौरान पुलिस बैंड ने धुन बजाकर सलामी दी। 24 नवंबर को हादसे में हुए थे घायल। 24 नवंबर को दुर्घटना में घायल 53 साल के राजेश अवस्थी को गंभीर हालत में बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके सिर में गहरे घाव थे। सीसीटीवी स्कैन में पता चला कि हादसे में सिर में घाव होने के साथ साथ ब्रेन हेमरेज भी हुआ है। न्यूरोसर्जन और इंटेंसिविस्ट अधिकृत विशेषज्ञ सहित 4 डॉक्टर्स की ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन कमेटी ने क्लिनिकल जांच और एपनिया परीक्षण सहित मेडिकल जांच करके उन्हें ब्रेन स्टेम डेड घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार राजेश अवस्थी की पत्नी सुषमा अवस्थी एवं परिवार को उनकी स्थिति के बारे में समझाया गया ब्रेन स्टेम डेड के बारे में। इसके बाद परिजनों ने स्वेच्छा से अंगदान करने की सहमति दी। इसके बाद ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की। प्रक्रिया के दौरान मरीज की किडनी लीवर डोनेट योग्य पाए गए। इसकी जानकारी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को सूचित किया गया। SOTTO ने लीवर बंसल अस्पताल और दोनों किडनी भोपाल के ही 2 निजी अस्पताल को दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।